सियासी जलसों में अपने गानों के जरिए शोहरत हासिल करने वाले डीजे भट्ट, जिनको पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था, आज इनको अदालत में पेश किया गया। अभी भी खान साहब का उनके वकला की जानिब से दलाइल दिए गए, जिसके बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। डीजे भट्ट जिनका असल नाम आसिफ है, वो सियासी जलसों में अपने जो मेरी कमर पीछे से शर्ट उतार के देखे, पाकिस्तान मार मार के इन लोगों ने ये देखे, ये मेरे हाथों को मेरी कोनिया मेरी कमर से शर्ट उतारे। मेरे डीजे बर्ड को जब अदालत लोगों ने इतना तशद्दुद किया, मुझे वहाँ पर कहा वीडियो में लाइव खान के टाइगर है, इमरान खान के साथ है, लेकिन उनका ये प्रोफेशन है, मेरा कसूर क्या है, उनकी खिदमत मुझे अभी तक नहीं बताया मेरा कसूर क्या है, सर अंजाम देंगे। मेरे बट ने मजीद क्या कहा, उनकी जुबानी सुनिए। मेरे ऑफिस आए, मैं सुबह सोया हुआ था, उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है, तो इन लोगों ने अंदर आकर मुझे डीजे बर्ड की मीनारे पाकिस्तान में जो 13 दिसंबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा होने जा रहा है, उसमें म्यूजिक का तड़का लगाएंगे और पीडीएम के कारकुनान उनके गानों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के और एयूआईएफए के जो तराने हैं उस पर खूब जोश और जज्बे का इजहार करेंगे। तो डीजे बट का क्या कहना था वो आप आगे सुनिए। थैंक यू, वापसी पे करते हैं। मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद है बाइज्जत बरी होंगे। सर मैं अभी भी खान साहब का ब्लू आइट हूँ सर, टेंशन ना ले, मैं अभी भी खान का टाइगर हूँ सर। अब फिर बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह ताला, बाकी मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद है बाइज्जत बरी होंगे। भट साहब आप तो बड़े ब्लू आइट थे, खान साहब के क्या हुआ क्या? सर मैं अभी भी खान साहब का ब्लू आइट हूँ सर, टेंशन ना ले, मैं अभी भी खान का टाइगर हूँ सर। पकड़ा क्यों है? टॉर्चर तो नहीं हुआ सर? ये तो आपको पता है, मुझे तो अभी लेकर आए हैं, मुझे तो बिल्कुल पुलिस ने तशद्दुद तो नहीं किया सर? ये आप देखें, पूरी बाजू टांगे मेरी, मेरी कमर पीछे से शर्ट उतार के देखें, ठुड्डे मार मार के इन लोगों ने ये देखें, ये मेरे हाथों को मेरी कोनिया मेरी कमर से शर्ट उतारे, मेरा इन लोगों ने इतना तशद्दुद किया, मुझे वहां पर वो वीडियो में लाइव बनाकर पहले फेंक चुका था और उसके बाद इन लोगों ने मुझे घसीटते वहां से लेकर आए। मेरा कसूर क्या है, मुझे अभी तक नहीं बताया मेरा कसूर क्या है। मेरे आपको गिरफ्तार कैसे किया गया? सर ये मेरे ऑफिस आए, मैं सुबह सोया हुआ था ऑफिस के अंदर, इन लोगों ने अंदर आकर मुझे वहां से मारते घसीटते लेकर आए। मैं इनसे पूछता रहा हूँ मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, तो मुझे अभी तक कोई मुझे कसूर नहीं बताया गया। और अभी वकील साहब ने बताया है सर मेरे ऊपर क्या। डीजे भट्ट की आपने सारी बातें सुनी, उनका मौकफ भी आपने सुना, तो गुजारिश यही है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, काम कैसे क्यों यूट्यूब चैनल और बेल का बटन दबाएं, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी मालूमात देखने सुनने को मिल सके। शुक्रिया। सर मैं अभी भी खान साहब का ब्लू आइट हूँ सर, टेंशन ना ले, मैं अभी भी खान का टाइगर हूँ सर।